जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये लीजिए, मैंने जो आपको लीला बताई थी, अब उसी के अनुरूप मैं आपको वो सारी झांकियाँ, छोटी छोटी हैं क्योंकि पूर्ण रूप से तो वीडियोस लेना थोड़ा टफ होता है, आप समझ सकते हैं। दूसरा, बारिश हो चुकी थी तो हमने छोटी ही कुछ क्लिप्स ली हैं, तो जिनके अनुरूप आपको वो सभी दृश्य जो हैं दिख जाएंगे जो स्वप्न में हुआ था मेरे साथ। तो आप जो है इस प्रकार से इस पूरी लीला को समझ पाएंगे। अब सबसे पहले लीला में था जो मैंने आपको कल बताई थी कि हम जो है ऐसे स्थान पर हैं कि जहाँ पर सारी मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी हो गई है, और स्वप्न में ही एक स्वप्न है जिसमें मैंने सोना और खुशी को देखा था। तो कल की लीला के अनुरूप हम तीन ही अचानक से वृंदावन गए। जैसे ही हम वृंदावन में हमने एंट्री की तो वृंदावन में तेज़ बारिश और तूफान, मतलब जैसे ही गाड़ी को हमने रोका था तेज़ तूफान के साथ बारिश थी, और बहुत झमाझम बारिश। मतलब उसका आनंद भी मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। लेकिन हमारे साथ लाडली और कन्हैया थे। अब वो साथ थे इसलिए हम बारिश में बाहर नहीं निकले, और हम ये सोच रहे थे कि अगर हम भीग जाएंगे तो फिर हमें, क्योंकि हम उनके वस्त्र भी ऐसे रख के नहीं ले गए थे, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे साथ में गए हैं तो अगर हम भीग जाएंगे तो बाद में हम उनको ही गोद में लेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं थी। इस कारण से हम बारिश में बाहर नहीं निकले, अन्यथा हम ज़रूर, अगर लाडली और कन्हैया साथ नहीं होते तो हम सब सब सबसे पहले हम बारिश में होते, खूब मतलब भीगते। उसके अनुरूप ही अब हमारा वो स्थान है कि स्वप्न में स्वप्न आता है कि तुम रुकना मत, चलते चले जाना। तो बारिश में पानी भर चुका था और हम बारिश में ही लाला को लिए, क्योंकि कन्हैया नहीं रुका, और हम कन्हैया को लेते हुए बांके बिहारी मंदिर की तरफ बढ़ दिए। अब जैसे ही हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, आगे भीड़ इतनी अधिक थी कि मैं क्या बताऊं आपको, तभी अचानक से वहां पर एक युवक जो है आ जाते हैं, और वो उस भीड़ में हम सभी को मंदिर की तरफ बचाते हुए अलग से निकालते हैं। लेकिन अचानक जो है मेरी नज़र उन पर जाती है, और उनकी आंखें मतलब वही जैसी हमारे कन्हैया की आंखें हैं, नीली आंखें थी। मैंने इस बात का इशारा अपनी बेटी खुशी को भी किया कि देख लीला पूर्ण हो रही है, क्योंकि वही हमको लेके गया था और उसने कहा था कि कहीं रुकना नहीं, सीधे चलते जाना। और जैसे ही मैंने ये इशारा किया, सीढ़ियों पर हमने पैर रखा ही था कि मैंने पीछे देखा तो अब वो व्यक्ति मेरे पीछे नहीं था। अब मैं मतलब उस समय क्योंकि कान्हा जी से मिलना था तो मैं भूल भी गई, मैं क्योंकि सोना ने मुझसे कहा था कि मुझे बता देना अगर इस बार ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं बताना क्या, मैं तो पूर्ण भूल चुकी थी। और उसके बाद में हम लोग बिहारी जी के मंदिर में हमने प्रवेश किया। बिहारी जी के मंदिर में हम एकदम से आगे पहुंचे, वहीं पर सामने भैया थे, मैंने हाथ ऊपर किया, उन्होंने हमें फ्रंट पे बुला लिया और कन्हैया को जो है उन्होंने लिया, और बिहारी जी के पास जो है कन्हैया ने स्थान पाया। जब कन्हैया वहां पर बैठा तो वो पूरा स्वप्न का दृश्य सामने आ गया कि हम उस मंदिर में प्रवेश हमने किया है, और वो लड़का सामने भाग रहा था, हम इतनी भीड़ में मैं गिरती जा रही थी, पागलों जैसी हरकत कर रही थी। आज भी वही परिस्थिति, इतनी भीड़ थी कि इंसान को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह इतनी भीड़ में आप अंदर जाओगे। हम अंदर गए, अंदर प्रवेश किया, वो भी बहुत आसानी से प्रवेश हो गया, इतने रुकावटों के बाद भी वहाँ जाकर प्रभु ने अपनी प्रतिच्छवि के दर्शन हमें दिए। यहाँ पर हमने जब प्रभु के दर्शन किए कन्हैया के साथ ही, क्योंकि वो बालक स्वरूपा था तो बालक हमारा कन्हैया, सेम प्रभु के दर्शन यहाँ पर प्राप्त हुए। उसके बाद की स्वप्न लीला आगे थी कि हम जो है एक उसके बगल में ही एक समाधि होती है, तो यहीं पर हम ये ढूंढते हुए, हमें समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा था हम उसके बाद हरिदास जी की तटिया स्थान जाएंगे, अपने गुरु जी से मिलेंगे, शायद वो समाधि वहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम श्याम सुंदर जी के दर्शन के लिए आगे बढ़े, हमने लोकेशन लगा दी थी, लोकेशन में हम यहाँ बिहारी दास जी के मंदिर, मतलब ये राधा बिहारी दास मंदिर के अंदर ही हम घुस गए। तो हमने सोचा हो सकता है प्रभु चाहते थे कि यहाँ के भी दर्शन हम करें, तो आप सब भी दर्शन कीजिए। ये तो हम बिहारी दास मंदिर में हमने प्रवेश किया, और यहाँ पर हम इनके दर्शन प्राप्त करके हम श्री श्याम सुंदर जी के दर्शनों के लिए आगे बढ़े। अब याद होगा आपको श्री श्याम सुंदर जी का मंदिर, तो हम उसी रास्ते से जा रहे थे कि अचानक
मेरी नज़र यहाँ पर सामने, यहाँ से जैसे ही हम निकले तो ये ऊपर एक बोर्ड लगा था, इस गली से हम निकल रहे थे। इस बोर्ड को पढ़ते ही यहाँ पर एक समाधि थी जो संगमरमर की, इसे देखते ही मेरे शरीर में एक कंपन हुई। और यहाँ पर एक गेट लगा हुआ था और हमने वहीं से सामने से एक व्यक्ति से पूछा कि भाई यहाँ पर ये क्या है, तो उन्होंने कहा भैया से पूछा कि भैया ये कौन सा स्थान है, तो उन्होंने कहा कि ये कृष्णदास जी की समाधि है। हम अचानक जल्दी से हम अंदर हमने प्रवेश किया। ये वही सीन था जो स्वप्न में था कि एक श्री विग्रह है जो लेटे हुए हैं, जिनके मैंने दर्शन किए, तो वहाँ पर हमने बिहारी जी के, कान्हा जी के साथ दर्शन किए। साथ ही ये समाधि थी और ये कच्ची ही समाधि थी, बाद में इसे सीमेंट से अब जो है बनाया गया है। यहाँ नीचे मिट्टी ही मिट्टी थी पूरा, और बारिश के कारण मिट्टी भी थोड़ा गीली हो चुकी थी। स्वप्न में भी ऐसा ही था और मेरा मन बोल रहा था कि अगर मैं इस समाधि को टच कर लूँगी तो मुझे भगवान दिख जाएंगे। उसी आधार पर हमने इस समाधि को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और हम इसी जगह को, स्थान को देखने लगे। देखा तो सामने ही एक छोटा सा मंदिर था लेकिन उसका गेट नहीं पता था, तो सोना बोले कि आगे से देख ज़रा। कोई नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ये स्थान शायद निर्माण इसका होना है, अभी पूर्णता नहीं है, और कोई भी यहाँ पे सेवारत कोई कुछ नहीं था, एक छोटा सा स्थान है ये। और उसके बाद हमने वहाँ पर देखा, सोना ने आगे ऊपर चढ़कर भी देखा तो ताला लगा हुआ था, लेकिन वो ताला भी ऐसे ही था, मतलब लगा हुआ नहीं था, खुला ही हुआ था। तो वहाँ पर सोना ने उसको खोला और हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ था ये श्री श्याम सुंदर जी का प्राकट्य स्थल है। यहाँ पर ही राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने कमल हृदय से प्रकट किया था कृष्णदास जी के लिए। और कृष्णदास जी का बचपन से ही नाम दुखी कृष्णदास था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण और राधा जी के विरह में बहुत रोते थे और वो रोने के कारण सब उनको दुखी नाम भी उनका पड़ गया था। जब उनको यहाँ पर, जब उन्हें निकुंज की सेवा मिली थी तो तब उन्हें यहाँ पर नुपुर मिला था राधा रानी का। ये सभी निधिवन के क्षेत्र से आसपास ही सब मिलता जुलता था, लेकिन अब अलग अलग ये स्थान बन गए हैं। तो यहाँ पर कोई कोई था भी नहीं, तो हमने ये छोटी सी वीडियो आप सबके लिए बना दी। और यहाँ ये कमर, ये जो स्थान है यही वो स्थान है। और उसके बाद हम श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में गए और यहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। ये वही स्थान है जहाँ प्रभु ने कहा था कि मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, जैसे लीला में था। इसके बाद, क्योंकि पहले समाधि के दर्शन थे, उसके बाद ही मुझे उस नौजवान ने, बच्चे से नौजवान, नौजवान से उसने अपना वामन अवतार जो दिखा रहे थे वो स्वरूप का दर्शन दिया था। तो इस प्रकार ये लीला पूर्ण हुई जैसे ही हमने श्री श्याम सुंदर जी के दर्शनों को प्राप्त किया। तो मैं नहीं जानती कि ये सब क्या प्रभु की लीलाएं हैं, बस मैं इतना जानती हूँ कि प्रभु शायद उन सभी छवियों के, अपने उन सभी स्वरूपों के दर्शन प्राप्त करवा रहे हैं जो स्वयं से प्रकट हुए। साथ ही उसमें कहीं ना कहीं मनुष्यों का कल्याण है। लेकिन एक चीज़ का ही मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि यहाँ पर जो पहले जंगल या पहले जो वृंदावन की छवि थी वो अब वैसी नहीं रही। हर जगह पर बहुत अधिक भक्तों का सैलाब है, साथ ही साथ भगवान के स्थान भी छोटे हो गए हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, मैंने बचपन से यहाँ वृंदावन को देखा है। वो जो पहले वृंदावन था उसकी जो छवि थी वो आज देखने को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उस समय घने वन, वनों के साथ यमुना मैया की स्वच्छता, साथ ही साथ इतनी सुंदरता, इतना सुंदर रमणीय स्थान हर जगह था। अब वही स्थान इतने छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन इस बात पर थोड़ा गौर करना चाहिए। साफ सफाई में हम मनुष्यों का ही हाथ है, ये तो सत्य है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अधिक परिवर्तन की ज़रूरत ये है कि जो स्थान प्रभु के लिए बहुत अधिक थे, यहाँ पर आवासीय स्थान बनते जा रहे हैं, जिसके कारण वो, मैं कैसे बताऊँ, वो जो छवि है वो बिल्कुल बदलती जा रही है, दिन ब दिन वो चीज़ चेंज होती जा रही है। जबकि यहाँ पर पूर्ण रूप से हरियाली होनी चाहिए जैसा प्रभु के समय हुआ करता था, काश ये पूर्ण रूप से वैसा ही हो जाए। मैं नहीं जानती कि ये शब्द मेरे सही हैं या गलत हैं, लेकिन मैं, ये मेरी चाहत है, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर इतनी हरियाली और स्वच्छता रहे कि
मैं बता नहीं सकती कि ये प्रभु का स्थान है। यहाँ बहुत अधिक स्वच्छता की ज़रूरत है, बहुत अधिक ज़्यादा।